हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोगों के लिए लेके आई है आज कि फिनोपिथैलिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, फिनोल की रिएक्शन करा देते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये थैलिक एनहाइड्राइड लिया है। इस तरीके से होता है थैलिक एनहाइड्राइड, इसको C11O करके भी लिख सकते हैं या इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा और देखिए, 2 मोल हमने फिनोल के लिए इस तरीके से लिखा। तो देखिए, 2 मोल हमने फिनोल के लिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से HOH, ये देखिए H2O, यानी H2O है वो रिमूव हो रहा है और साथ H2O4 की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, देखिए अब ये जो ग्रुप बचा है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो आप लोगों को बैलेंस ही बता देते हैं कार्बन की। देखिए बैलेंस पूरी तरीके से 1, 2, 3, 4, ये देखिए 3, 4 होती है कार्बन की बैलेंसी। तो देखिए, ये होता है फिनोफिथैलिन। ये एक प्रकार से इंडिकेटर के रूप में हेल्प करता है, इंडिकेटर होता है, ये सूचक होता है। आगे आप लोगों को बताएंगे, ये डाई में है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फिनोफिथैलिन। ये रिएक्शन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे तरीके से करें क्लियर। तो देखिए, ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉलीमर में रिएक्शन है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है फिनोल। तो देखिए, आप लोगों को फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र पता ही होगा, HCH, जो इसमें एक प्रकार से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे बैकेलाइट कहा जाता है। इसे नोवोलक भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये देखिए CH2 मतलब कनेक्ट होता जाता है यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड से। ये देखिए CH2 कनेक्ट होता चला जाता है, OH ऊपर लग जाते हैं, ये होता है बैकेलाइट। इससे आगे भी स्ट्रक्चर बन सकती है, इसी कंडीशन बनती है, या आप लोग एक भी बना सकते हैं, वो भी सही है। तो देखिए, फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है फिनोल से, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, बैकेलाइट का। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के पॉलीमर में है, तो आगे आप लोगों को पॉलीमर में बताएंगे डिटेल में इसका वर्क क्या होता है बैकेलाइट का, इसका यूज क्या होता है आगे आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराई जा रही है K2H2O8, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराई जा रही है, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोक्यूनोन का। ये होता है हाइड्रोक्यूनोन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 कंडीशन में OHOH लगा हुआ है, तो ये होता है हाइड्रोक्यूनोन। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी रिएक्शन, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और आप लोगों का आज फिनोल का टॉपिक हो गया है कम्प्लीट। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।